जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आज मैं आया हूँ शीतला माता मंदिर जो कि गुड़गांव के अंदर है। तो यहाँ पे मैं एक व्लॉग क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको आना कैसे है, दर्शन कैसे करने हैं, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपको मंदिर पहुंचना कैसे है। अगर आप आना चाहते हैं बाय मेट्रो तो नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो है हमारा एमजी रोड मेट्रो स्टेशन। तो ये पड़ता है हमारा येलो लाइन पे। तो आपको एमजी रोड आ जाना है, यहाँ पे आपको मेट्रो से एग्जिट करना है गेट नंबर एक की तरफ को एग्जिट करने के बाद आपको बाहर से शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा। अगर आप चाहें अपना ऑटो भी बुक कर सकते हैं। ऑटो अगर बुक करते हैं तो चार्जेस रहेगा आपका 60 से 80 रुपीज़। साथ ही अगर बात करें आप शेयरिंग ऑटो करते हैं तो आपको 10 रुपये चार्ज मिल जाएगा। वो आपको पहले ड्रॉप करेगा बस स्टैंड से आपको शीतला माता मंदिर का 10 रुपये चार्ज देना होगा। टोटल 20 रुपये चार्ज पड़ने वाले हैं मेट्रो स्टेशन से। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑटो बुक करके आ सकते हैं शीतला माता मंदिर। साथ ही बात करते हैं अगर अपनी कैब वगैरह से अपनी गाड़ी वगैरह से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप मंदिर आ जाइएगा। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं शीतला माता मंदिर गुड़गांव, सर्च करके आप डायरेक्ट मंदिर पे आ सकते हैं। बात करते हैं अगर बस से आ रहे हैं तो आपको नियर बाई जो बस स्टेशन मिलने वाला है ओल्ड बस स्टेशन मिल जाएगा। उस वहाँ से आपको ई रिक्शा लेके आ जाना है मंदिर। जैसे आपको चार्ज मिल जाएगा 10 रुपये रिक्शा के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से जैसे आना चाहते हैं आप आ सकते हैं मंदिर पे। तो देखिए हम ऑटो से आए हैं और मंदिर आ चुके हैं। और देखिए आपको मंदिर के पास ही काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फ्री पार्किंग देखने को मिलेगी। अगर आप जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहीं पर आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं जो कि फ्री रहेगी। साथ ही काफ़ी सारी पार्किंग मिल जाएगी जो कि फ्री है। तो आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे पार्किंग आपको अवेलेबल मिलेगी। तो हम देखें मंदिर आ चुके हैं, ऑटो वाले ने हमें मंदिर के सामने ही ड्रॉप किया है। अब देखिए हमें यहाँ से प्रसाद लेना है। और देखिए जहाँ से आप प्रसाद लेंगे वहीं पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं, बैग वगैरह आप ले जा सकते हैं अंदर मंदिर के। तो यहाँ पे आपको साथ ही जो बाहर ही एक जूते का स्टैंड मिल जाएगा जहाँ पे आप जूता सबमिट भी कर सकते हैं अपने चप्पल वगैरह, जिसके लिए आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा 10 रुपये आपका जोड़ी के हिसाब से चार्ज मिल लगता है। या फिर जहाँ से आप प्रसाद लें वहाँ पे आप अपने जूते निकाल दीजिएगा। प्रसाद लेने के बाद देखिए हम मंदिर चलते हैं। जैसे आप मंदिर का गेट है साइड से ही देखिए हमें रास्ता मिल जाएगा। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है मंदिर में। आप नॉर्मल डेज में आएंगे तो आपको भीड़ कम ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ से साइड से ही रास्ता बनाया है ताकि भक्तजन इजीली शीतला माता के मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए हम साइड से आए हैं, काफ़ी सारे गेट हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे आप सामने वाले गेट से आएंगे तो आपको सामने से यहाँ पे दर्शन होंगे। हम साइड गेट से आए हैं तो आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर बहुत प्यारा है, डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है इसमें। नवरात्र के टाइम में काफ़ी अच्छे डेकोरेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप नॉर्मल डेज में आएंगे तो काफ़ी आपको भीड़ कम मिलेगी, आप इजीली दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद देखिए हम बाहर निकल जाते हैं। और बाहर आने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे हमें एक गेट और देखने को मिल रहा है मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए, जहाँ से आप शीतला माता मंदिर के अंदर जाके माता के दर्शन कर सकते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते देखिए आपको काफ़ी सारे पंडाल मिल जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे जो पहला पंडाल मिलता है यहाँ पे, तो शीतला माता मंदिर के अंदर यहाँ पे जोत जलाई जाती है वो यहीं पे जलाई जाती है। अंदर सिर्फ आपके प्रसाद चढ़ाया जाता है, जोत नहीं जलाई जाती है मंदिर के अंदर। लेकिन जो अगर आपको जोत जलाना है तो यहाँ पे आपको माता की जोत जलाने का स्थान मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जोत जलाइएगा, काफ़ी सारे यहाँ पे पंडाल मिल जाएंगे तो इसलिए आप जोत जला दीजिएगा। जोत लगाने के बाद देखिए अब आगे चलते हैं। आगे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ठंडा पानी की सुविधाएँ मिल जाएगी। यहाँ पे पानी पिलाया जाता है शीत, तो आप यहाँ पानी पी सकते हैं। तो आगे चलते देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्र का टाइम हमारा चल रहा है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और साथ देखिए यहाँ पे प्रसाद की लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है। तो यहाँ जब आप दर्शन करके आएँ, आने के बाद जोत जलाने के बाद आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद देखिए साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो कि पंडाल लगाए हुए हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे देवी देवताओं के दर्शन करने को मिल जाएंगे। बाबा गोरखनाथ का यहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करने का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे अपना फोटो खिंचवा सकते हैं माता के साथ अपना यहाँ पे खड़े होकर हाथ जोड़ के। 2 मिनट में आपको फोटो निकाल के दे देगा। तो ये सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है, फ़ोटो खिंचाइए सिर्फ और 2 मिनट में पाएँ। तो अभी देखिए हमें दर्शन किए हैं माता के और अब हम जा रहे हैं आगे क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। चलो देखते हैं हम जल्दी से यहाँ पे। देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा पंडाल, जिसके अंदर आपके बच्चों के जो
बाल है उनके मुंडन किया जाता है वो आपको पंडाल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये माशीतला माता मंदिर हमारी तो कुल देवी हैं, तो मैं आज यहाँ पे पहली बार आया हूँ, पहले कभी एक टाइम आ रहे थे हम यहाँ पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जैसे हम यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप अपना अच्छे से यहाँ पे दर्शन कीजिएगा, बाबा भैरवनाथ के आपको यहाँ पे दर्शन होंगे, शीतला माता के आपको यहाँ पे दर्शन होंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम जो पर्सन आते हैं वो मुंडन कराने आते हैं अपने बच्चों के। आगे चलते हैं, देखिए आपको मन्नत का धागा मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मन्नत का धागा बांध लीजिएगा, इसकी काफ़ी सारी मान्यताएँ हैं। तो यहाँ पे आए तो धागा ज़रूर बांध दीजिएगा, जब वो मन्नत पूरी हो जाए तब आप यहाँ पे आके अपना उस धागे को खोल सकते हैं या फिर दूसरा धागा आप यहाँ पे बांध सकते हैं, मुझे ये पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे धागा जरूर बांधिएगा। आगे चलते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे शीतला माता मंदिर की जो मिट्टी यहाँ पे निकाली जाती है, और साथ ही देखिए यहाँ पे आपको बकरी मंदिर मिलेगी, तो यहाँ पे बलि भी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए बलि के लिए बकरी यहाँ पे रखी हुई है, अगर किसी को बलि वगैरह देनी होती है तो यहाँ पे बकरी भी मिलती है। तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, किसी जानवरों को मार के आप बलि देके अपना काम पूरा करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ईंटों के घर मिल जाएंगे, यहाँ की मान्यता अलग ही है। यहाँ पे एक जो यहाँ पे इसका घर नहीं बना हुआ है वो अपना आके यहाँ पे घर बनाते हैं, और घर बनाने के बाद जो यहाँ पे ईंटों से अपना घर बनाएंगे उनका जो असली घर उनका बनाया जाता है वो मन्नत मांगते हैं, और जब मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने जरूर आते हैं। तो ये पॉसिबली हमारा जो मंदिर है इतना बड़ा ही मंदिर है, इसमें जो जो चीज़ आपको देखने को मिलती है मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे सब चीज़ें के दर्शन कर दिए हैं, दर्शन करने के बाद देखिए अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर पर। तो आप जैसे भी आए हैं, बाई रोड आए हैं, बाई कार आए हैं, जैसे आपकी मर्जी है आप जा सकते हैं। मैं मेट्रो से जाने वाला हूँ तो यहाँ से मैं ऑटो लूँगा, ऑटो लेने के बाद सीधा मैं MG रोड, मेट्रो से मुझे ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने के बाद सीधा मैं अपने घर निकल जाऊँगा। तो जैसे आप आए हैं आप जा सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने आपको बताया शीतला माता मंदिर के ऊपर मैंने यहाँ पे व्लॉग क्रिएट किया है। नवरात्रों के टाइम में काफ़ी सारी भीड़ है, इस भीड़ के समय में मैं यहाँ पे आके वीडियो बनाया है, उसका व्लॉग मैंने क्रिएट किया है। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी।